Hi guys, good evening. कैसे हो आप आप लोग सब? आप सब एकदम बढ़िया और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे आज बारी आती है सेवन, ये रहा आपका फेवरेट, essay 530, audit sampling को पढ़ने के लिए राइट चलो सो so, अब हम लोग बात करते हैं एस नंबर फाइव थर्टी ऑडिट सैंपलिंग की पूरा पूरा चैप्टर एक मास्टर चार्ट में हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे काफी अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और काफी छोटू सा चैप्टर है तो मजा आ जाएगा आज का का सेशन एकदम शॉर्ट क्लिप्स और बहुत बढ़िया होगा मजा आ जाएगा चलिए मालिक बात करते हैं अबाउट नंबर क्लास का पूरा डिस्कशन आपको याद आ जाएगा बहुत मजा आएगा आप लोगों को सो so, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं सर जी सैंपलिंग के बारे में तो हम लोग क्या कहते हैं कि सैंपलिंग में सबसे पहले जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑब्जेक्टिव गोल क्या है मतलब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैं ऑडिट तो में क्या ढूंढ रहा हूं एम आई फोकसिंग अपॉन समेटमेंट और एम आई फोकसिंग अपॉन समेस आप सबको पता होगा कि मिस्टेटमेंट ये कहां होती है वेरी गुड ट्रांजेक्शन में और सर ये डेविएशन कहां होते हैं कंट्रोल्स में सो so हम कौन से मिस्टेटमेंट ढूंढना चाह रहे हैं हम कौन से डेविएशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सबसे पहले आपने उस चीज को डिसाइड कर लेना है सो दैट इज वॉट यू आर सपोज टू फोकस अपॉन इज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद अब क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि ओके okay, मेरे को ये एक गोल है याद है क्लास में एक बात बोली थी कि ये जो गोल है ये मुझे कहां मिलेगा बताओ क्या बोला था ये मुझे कहां मिलेगा ये मुझे जहां मिलेगा वो मेरा जहां होगा अरे वाह सर याद है हमें सो so ये जहां जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज़ द पॉपुलेशन सो व्हाट टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट्स और डेविएशंस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर वेर विल वी गेट दोस डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स दैट पर्टिकुलर एरिया और यूनिवर्स इज कॉल्ड एज़ व्हाट पॉपुलेशन सो बॉटम लाइन हम लोग कहते हैं कि जो पॉपुलेशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं

उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है बराबर वो पॉपुलेशन रिलायबल होना चाहिए वो एडिक्वेट होना चाहिए रिलायबल मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि उस पॉपुलेशन पे भरोसा होना चाहिए अब समझिए अगर वो पॉपुलेशन अगर वो रिलायबल नहीं है उस पर अगर हम लोग को यकीन नहीं है तो साहब उसके अंदर से हम लोग सैम्पलिंग भी करें तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा तो इसीलिए वो पॉपुलेशन रिलायबल होनी चाहिए और वो एडिक्वेट होनी चाहिए सर एडिक्वेट होनी चाहिए मतलब क्या ऑल द आइटम्स राइट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड शुड बी इंक्लूडेड इन वॉट योर पॉपुलेशन सो इट शुड बी एडिक्वेट इट शुड बी सफिशियंट इन तो क्या हो जाएगा अगर कुछ चीजें आपकी छूट गई जो आपके पॉपुलेशन में कवर नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कभी वो सैंपल में कवर नहीं होगी और उस वजह से कभी आप सही ओपिनियन नहीं दे पाओगे सो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आप पॉपुलेशन पे आते हो और पॉपुलेशन पे आप कहते हो कि बॉस ये पॉपुलेशन होमोजीनियस होना चाहिए ये रिलायबल होना चाहिए और ये एडिक्वेट भी होना चाहिए और अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात वो हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग ये पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं मालिक तो इस पॉपुलेशन में का हर एक आइटम इट शुड सिलेक्टेड तभी जाके जो आपका सैंपल निकलेगा इट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट द एंटायर पॉपुलेशन तो इसीलिए कहते हैं कि द पॉपुलेशन में एवरी आइटम शुड हैव व्हाट व्हाट इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड सो फ्रॉम फर्स्ट क्लाउड टू टू ऑब्जेक्टिव वी जंप द सेकंड क्लाउड पॉपुलेशन अब जब मुझे डिसाइड हो गया कि ओके दिस इज द पॉपुलेशन ये एरिया हम लोग टेस्ट करने वाले हैं दिस इज द यूनिवर्स तो अब इस यूनिवर्स में से हम लोग क्या निकालेंगे तो हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट सैंपल वी विल नाउ टॉक अबाउट व्हाट द सैंपल सो so, जब दोस्तों हम लोग सैंपल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी सैंपल आप सिलेक्ट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दैट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटिंग एंटायर पॉपुलेशन ये जो सैंपल है मालिक इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट वॉट एंटायर पॉपुलेशन इट शुड बी सिलेक्ट इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट एंटायर पॉपुलेशन बिकॉज बात समझने की कोशिश करो हम लोग जो अपना ओपिनियन देने वाले हैं हम लोग ये ओपिनियन पॉपुलेशन के ऊपर देने वाले हैं बेस्ड ऑन सैंपल तो इसीलिए वो सैंपल शुड रिप्रेजेंट वॉट दर पॉपुलेशन नाव दुख आते चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा तो मलिक बात करते हैं अबाउट द साइज ऑफ द सैंपल एम सी क्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंपल डिपेंड अपॉन देश जैसे कि द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो जाहिर सी बात है सैंपल भी बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो सैंपल छोटा होगा या शायद हम उस उसपे सैंपलिंग करें ही ना सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स अगर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम लोग को भरोसा है तो हम लोग सैंपल कम सिलेक्ट करेंगे बट अगर उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो हमारा सैंपल ज्यादा उसके बाद बात करते हैं अबाउट स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वेरी सिंपल पॉइंट अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो हम लोग लेस चीजें चेक करेंगे क्योंकि हम लोग को उस पॉपुलेशन पे काफी अच्छा भरोसा है बट अगर इंटरनल कंट्रोल्स बुरे हैं तो हम लोग ज्यादा चेकिंग करेंगे ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि मिसस्टेटमेंट या डेविएशंस वाकई में है या नहीं है तो ये तीन पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, रिलािटीट ऑफ इंटरनल कंट्रोल उसके बाद बच्चों दो बातें आती है वो दो बाते कौन सी है डिग्री ऑफ डिजायर कॉन्फिडेंस एंड टॉलरेबल एर रेंज सर वॉट इज डिग्री ऑफ डिजायर कॉन्फिडेंस मतलब आप कितना अश्योरेंस चाहते हो उस पर्टिकुलर एरिया से इफ द डिग्री ऑफ डिजायरेंस इज मोर आपको कम अश्योरेंस चाहिए मतलब थोड़ा बहुत भी चलेगा तो सैंपल साइज ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा एंड आप कम चेकिंग करोगे इसी के ऑपोजिट क्या कहता है टॉलरेबल एर रेंज अगर आप ज्यादा गलतियां सहन कर सकते हो तो सैंपल आपका कम हो जाएगा बट अगर आप कम गलतियां सहन कर सकते हो तो आपका सैंपल साइज ज्यादा हो जाएगा सो दीज आर दू साइड ऑफ द सेम क्वेंट मोर अश्योरेंस लेस टॉलरेबल एरर रेंज लेस अश्योरेंस क्या कहते हैं मोर टॉलरेबल एरर रेंज आई बात समझ में तो इन पांच बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं सर अपना सैंपल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं क्लियर एकदम बात यस yes. सर अब यह बात तो हो गई कि सर सैंपल को सिलेक्ट करना कितना साइज क्या है उसके बारे में तो डिस्कशन हो गया अब मालिक बात करते हैं अबाउट व्हाट द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल किसकी बातचीत हो रही है सर जी मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल किस बेसिस पे हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अलग अलग मेथड है टेक्निक वो है रैंडम सैंपलिंग इंटरवल सैंपलिंग मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एंड सैंपलिंग बोलो सब लोग एक बार मेरे साथ साथ रैंडम सैंपलिंग इंटरवल सैंपलिंग मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एंड सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग पे आते हैं और रैंडम सैंपलिंग में बच्चों दो बातें एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सेकेंड वी टॉक अबाउट इज द दटिफाइड रैंडम सैंपलिंग सो सर आते हैं फर्स्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग के ऊपर यू सी दिस दिस जार ड्रम इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं रैंडमली जो भी अपने को चीजें चेक करनी है वो हम लोग निकालते हैं या कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम टेबल्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और वो जो रैंडम नंबर्स बोलेगा वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे तो आपको यहां पे क्या नजर आया कि हमने ये जो सैंपल जो निकाला है ये रैंडमली निकाला है वाओ wow! ये मेथड काफी सिंपल था वाओ wow! तो और ये सैंपल निकला ना तो सर जी बस खत्म हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग सही एक yes, so as, friends, है एकदम यस एब्सोल्युटली सो दिस इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड्स एज व्हाट सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑल गुड है अब यहां पे इसकी जब बातें करते हैं हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है नंबर वन दिस मेथड इज व्हाट वेरी इजी टू यूज इसके अंदर कोई किसी तरीके का बायस नहीं है क्योंकि रैंडमली हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या है हर एक आइटम इस पॉपुलेशन uh, में से हैज गॉट इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड सो एवरी आइटम इन द गिवन पॉपुलेशन हैज गॉट इक्वल चांस ऑफ बींगट सिलेक्टेड

तो सर अगर होमोजीनियस है तो ही हम लोग क्या सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं आंसर इज यस बट सर अगर होमोजीनियस नहीं है अगर अपना पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हम लोग क्या करेंगे सर अगर अपना पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो उस केस में वी विल डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोन आइटम्स कॉल्ड एज स्ट्रेटा और स्ट्रेटा उसको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे उसको रेक्टरिस्टिक्सा और फिर ये जो अलग अलग ग्रुप हम लोग बनाएंगे जो स्ट्रेटा या करेगा सैंपल को सिलेक्ट करेगा ए ग्रुप में से कितना बी ग्रुप में से कितना सी ग्रुप में से कितना उसके हिसाब से वो क्या करेगा सैंपल को सिलेक्ट करेगा एंड बस इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या स्पेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्लियर एकदम सो रैंडम सैंपलिंग के ये दो मेथड्स एकदम क्लियर है सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट माय डियर फ्रेंड्स अबाउट इंटरवल सैंपलिंग सर व्हाट इज दिस इंटरवल सैंपलिंग नाउ इंटरवल सैंपलिंग किसे कहते हैं देखिए आपका पॉपुलेशन होता है 1 200 2000 4000 एनी एनी कितना भी पॉपुलेशन आपका हो अब अपने को अगर उसमें से क्या करना है सैंपल सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं सर कि एक रैंडम नंबर लेते हैं रैंडम इंटरवल लेते हैं और फिर उस इंटरवल में जो 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 आइटम आते जाएगा वो हमारा सैंपल बन जाएगा दिस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड अस व्हाट इंटरवल सैंपलिंग क्लियर एकदम जैसे कि आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट टेन पकड़ते हो आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिखता होगा अगर अपन स्टार्टिंग पॉइंट टेन पकड़ते हैं और फिर अपन इंटरवल रखते हैं टेन सो टेन ट्वेंटी में आएगा आइटम आइटम टेंटी वॉट दिस विल बी वॉट माई सैंपल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन वॉट इंटरवल इसको हम लोग कहते हैं एज वॉट बच्चो इंटरवल सैंपलिंग इसके अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है इसके अंदर बात यह है कि आपका जो पॉपुलेशन है इट शुड नॉट बी स्ट्रक्चर्ड इट शुड नॉट बी स्ट्रक्चर्ड का मतलब है इट शुड नॉट बी अरेन्ज नहीं तो आप समझने की कोशिश कीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल माई एवरी टेंथ ट्रांजेक्शन इज द सेल्स ऑफ ब्रांच ए हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस है ए बी सी डी ई एफ ऑल द अल्फावे ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट सो आप समझिए बात को कि अगर मेरे इतने छब्बीस ब्रांचेस है मेरे तो भाई आप समझो बात को कि अगर मेरा हर टेंथ जो सेल्स है इट इज ब्रांच ए तो माय सैंपल विल बी ओनली ऑफ ब्रांच ए और ब्रांच ए इंक्लूड ही नहीं होगा तो उस केस में माय सैंपल विल नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन एंड देर फॉर इट इज सेट दैट योर पॉपुलेशन शुड नॉट बी स्ट्रक्चर्ड सर अगर स्ट्रक्चर्ड है तो क्या करें वॉट टू डू सर अगर स्ट्रक्चर्ड है तो आप क्या करिए यू हैव अ मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट इंटरवल बीच बीच में चेंज कर लीजिएगा एंड दिस इज हाउ यू डू इंटरवल सैंपलिंग आगे बढ़ते हैं यहां से इंटरवल सैंपलिंग समझने के बाद चर्चा होती है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग की सर जी वॉट इज दिस मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एज द नेम सजेस्ट इज वैल्यू वेटेड सैंपलिंग मतलब ये द इंपॉर्टेंस इज गिवेन ऑन द मोनिटरी वैल्यूज द हम लोग अमाउंट्स के बेसिस पे क्या करते हैं ऑडिट करते हैं सो so, कहने का अर्थ ये है यहां पे कि जैसे अगर मुझे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को चेक करना है तो अपन सर सिस्टम को बोलेंगे कि कंप्यूटर गिव मी ऑल द कैश ट्रांजेक्शन अबाउट टेन थाउजेंड कंप्यूटर गिव मी ऑल द सेल्स अबाउट वन लाख रूपीज इट इज बेसिकली हाउ वी अप्लाई द फिल्टर

डिफरेंट डिफरेंट मेथडिंग अब हमने सैंपल को सिलेक्ट कर लिया अब बारी आती है कि सैंपल को हम लोग क्या करें सर इवेल्युएट करें तो सर हम लोग सैंपल को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे तो सैंपल को इवेल्युएट करना है तो दो चीज है उसके अंदर दो मैथड्स है अपने पास एक है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड दूसरा है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग सो वेनर वी सिलेक्ट रैंमली

बट नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग इज वेरी इजी टू यूज जजमेंटल सैंपलिंग इज नॉट दैट इजी टू यूज क्लियर एकदम अब हमने क्या कर लिया सैंपल को स्टडी करके सैंपल को टेस्ट करके उसको इवेल्यूएट करके अब हमें सैंपल में मिस स्टेटमेंट मिल गए ये सैंपल में मिस स्टेटमेंट मिल गए अब यहां पर हम लोग को क्या देखना है कि वो जो मिस स्टेटमेंट है वेदर इट इज अनामली और वेदर इट इज अनामस मतलब आपको देखना है कि उस मिस्टेटमेंट में कॉमन फीचर है या नहीं है मतलब ये जो गलती हुई है तो भाई ये थ्रू आउट हुआ है भाई मतलब ये गलती जो सिलेक्टेड पीरियड है उस सब में वो गलती हुई है इट इज अनामस मिस्टेटमेंट आई बात समझ में तो हम लोग वो देखेंगे अगर ये मिस्टेटमेंट एनोमलिस है इट इज एन एनोमली। आप ये पूछेंगे सर ये एनॉर्मली क्या होता है भाई एक हाथ कोई गलती हुई है कॉमन फीचर नहीं है सर ये गलती हमसे हर बार नहीं होती है ये एक हाथ बार हो गई है तो ऐसे केस में ऑडिटर शुड बी हाईली सर्टन

देखिए जब प्रोजेक्शन करते हैं ना मिस्टेटमेंट को सो वी यूज विच मिस्टेटमेंट नॉन एनॉमस मिस्टेटमेंट क्योंकि वो कॉमन फीचर है ना उसमें हम लोग सिंपली प्रोजेक्ट कर सकते हैं इतने में उतना तो उतने में कितना क्योंकि ये कॉमन फीचर है और हम लोग को मिस्टेटमेंट प्रोजेक्ट कर रही है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन क्योंकि ओपिनियन पॉपुलेशन पे देना है आई बात समझ में So, जब अपने को टोटल मिस्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे द प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट्स प्लस अनकरेक्टेड एनोमल मिस्टेटमेंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे और बोलेंगे कि दिस इज द टोटल मिस्टेटमेंट्स और इनको हम लोग कंपेयर करेंगे विथ टॉलरेबल एर रेंज अगर ये प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट कंबाइंड विथ दी अनकरेक्टेड एनॉमल मिस्टेटमेंट्स If it is greater than or closer to the tolerable error range, we will say that, sir, here there is an unacceptable sampling risk. Kya bolenge, sir. There is an unacceptable sampling risk. What is sampling risk, sir? The opinion that you give based on sampling. If the same audit procedures are applied to the entire population, the opinion would be different.

जो कहता है की स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हम लोग कौन से कौन से सर्कमस्टेंसेज में यूज कर सकते हैं डन एब्रो यो मैन तो यस दैट्स इट चैप्टर नंबर सेवन ऑडिट कॉन्फिडेंस है कुछ बातें याद आ रही है क्लास की यस yes. सो so, आज अभी क्या करेंगे अभी सर ये तो सेशन तो ऐसा मतलब शुरू होते से ही खत्म हो गया सर हमारा तो ही <laughs> है ना तो अभी आप क्या करेंगे सर अभी आप बैठे रहेंगे जहां भी आप पढ़ रहे हो वैसे मॉड्यूल खोलना है और पूरा पूरा मॉड्यूल से आपने क्या करना है इस चैप्टर को अभी तुरंत रीड करके निकालना है अगला हाफ एन आवर आपने डिवोट करना है जितना भी हमने आइए बातचीत करी उसको आपने क्या करना है बॉस रीड करना है राइट यस सर सो दैट्स इट थैंक यू वेरी मच गाइस बाय बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट सेशन